जय श्री कृष्णा दोस्तों, सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आपका ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करता हूँ आज का विषय। आज का जो विषय है वो है अभी जो ग्रह गोचर में स्थान परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर 2021 नए साल के आधार पर बताता हूँ। जब भी गोचरवश हमारे शास्त्रों में वर्णित है और मैंने पाया भी है कि हमारे लग्न से या राशि से 12वें और 8वें भाव में कोई क्रूर ग्रह आता है तो दुर्गति, मृत्युतुल्य कष्ट, अपमान, एक्सीडेंट, विरह, कंगाली, डिप्रेशन आदि समस्याएं आती हैं, जिसमें अष्टम भाव में यदि मंगल जैसा क्रूर ग्रह आ जाए तो व्यक्ति या तो पूजा पाठ करता नहीं है या उसकी पूजा पाठ घर में लगती नहीं है या उस घर में पूजा पाठ कम लगती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़रूर अपनी कुंडली देखें कि कोई क्रूर ग्रह आपके 12वें भाव में या अष्टम भाव में ना हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली भी दिखवा सकते हैं, आपके सामने फ़ोन नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिएगा, फीस आपको फ़ोन पर बताई जाएगी। ज़रूर आप कॉल कीजिएगा और अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।